हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं तुलसी विवाह से संबंधित कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। नंबर वन, तुलसी विवाह के अवसर पर हर सुहागिन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर टू, इस अवसर पर तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखें और उसमें तिल जरूर चढ़ाएं। नंबर थ्री, इस दिन को पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। नंबर फोर, तुलसी और शालिग्राम को तिलक जरूर लगाएं। नंबर फाइव, पूजा करने के बाद किसी भी चीज़ के साथ 11 बार माता तुलसी की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। नंबर सिक्स, पूजा में मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण कर दें। नंबर सेवन, पूजा समाप्त हो जाने के बाद शाम को भगवान विष्णु को नींद से जगाने का आह्वान कीजिए। नंबर एट, तुलसी विवाह के दौरान इस मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। नंबर नाइन, आप तुलसी में जल डालते समय यह मंत्र का जाप जरूर करें। ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप 11 या 21 बार अवश्य करें। नंबर टेन, यह माना जाता है कि यदि आप तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं कर सकते हैं तो आपको इसे अपने घर में न लगाएं, क्योंकि तुलसी पौधे को सबसे पवित्र माना जाता है और इसकी नियमित पूजा करना जरूरी है। नंबर 11, तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करें और इस पौधे के पास दिया जलाएं। अगर हो सके तो शाम के समय तुलसी के पौधे की नियमित आरती करें। नंबर 12, तुलसी के पौधे को रोज़ जल चढ़ाएं और घर के मंगल कामनाएं की प्रार्थना कीजिए। नंबर 13, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके घर में पितृ दोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं और वह एक या दो दिन में ही सूखकर झड़ने लगता है, ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि पितृ दोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश घर में होता है। ऐसे में तुलसी पौधा बार बार सूखने लगते हैं तो आप यह अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण पितृ दोष है और इसका निवारण के लिए काम करना चाहिए। नंबर 14, कई बार ठीक से देखभाल ना करने के कारण बहुत ज़्यादा पानी देने या ज़्यादा ठंड के मौसम में तुलसी का पौधा सूखना एक आम बात हो सकती है। अगर घर में मौजूद हरा भरा पौधा अचानक से सूख जाए तो ये आपके घर में आने वाली किसी परेशानियों का संकेत भी हो सकता है। यह इस बात को दिखाता है भगवान विष्णु की कृपा घर पर नहीं है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी संकेत मिलते ही तो आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। नंबर 15, अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा जाए एवं आवश्यकता से ज़्यादा घना हो जाए, इसके पत्तियां हरी होने लगे और इसमें मंजरी आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके घर में सुख समृद्धि का संकेत दे रहे हैं। ऐसा कोई भी संकेत मिले तो ये घर के कल्याण की ओर इशारा कर रहे हैं। नंबर 16, तुलसी का पौधा सभी पौधे से उत्तम माना गया है, इसलिए आप घर की खुशहाली के लिए नियमित रूप से तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं नई वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।